नमस्कार, मैं हूं सलामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश को झकझोर देने वाला बुराड़ी कांड में अब नया मोड़ आ गया है। बुराड़ी के भाटिया परिवार की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की मांग पर मनोवैज्ञानिक पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि इन 11 लोगों ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इस चौंकाने वाले खुलासे से पुलिस के सभी दावे फेल होते नजर आए हैं। इन 11 लोगों की मौत नहीं बल्कि अनुष्ठान की भेंट चढ़ गए हैं, यानी ये आत्महत्या नहीं, एक हादसा था। भाटिया परिवार को ललित की बातों में आकर इस अनुष्ठान में शामिल हुआ था। इसी दौरान यह हादसा हुआ जिसमें पूरा परिवार काल के मुंह में समा गया। रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक भाटिया परिवार का कोई भी सदस्य मौत को गले लगाना नहीं चाहता था। ललित के बातों में आकर सभी ने फांसी का फंदा गले में जरूर टांग लिया था। उन्हें विश्वास था कि उनमें से किसी भी की मौत नहीं होगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सभी परिजनों के शव लटकते हुए पड़ोसियों ने देखा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस ने CBI से पत्र लिखकर इस मामले की मनोवैज्ञानिक पोस्टमार्टम की मांग की थी। मनोवैज्ञानिक पोस्टमार्टम के तहत फॉरेंसिक विशेषज्ञ दोस्तों, पड़ोसियों और सभी छोटी बड़ी से पूछताछ कर व्यवहार से लेकर दिनाचार्य तक की जानकारी ली। विशेषज्ञों में भाटिया परिवार के बचे दिनेश सिंह और बहन सुजाता नागपाल से भी परिवार के बारे में बातचीत की। विशेषज्ञों की माने तो ललित की बातों में आकर पूरा परिवार अनुष्ठान में शामिल हुआ था, उसी दौरान ये हादसा हो गया। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।